गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल सब्सक्राइबर। तो पिछले काफ़ी सारे दिनों से वीडियो नहीं आई, उसका यार रीज़न तो इतना बड़ा भी नहीं है। उसका रीज़न यही है ओनली ऑन कि मतलब मैं सोच रहा था कि यार मतलब कि कंटिन्यूसली मैं अपने घर पे ही वीडियो बनाता रहूँ और आपको दिखाता रहूँ। वो भी मतलब मुझे भी ना दिखाने में थोड़ा सा मतलब बढ़िया नहीं लग रहा था, क्योंकि आपको एक ही चीज़ दिखा दिखा के बोर नहीं करना चाहता। मतलब ऐसा ही था मेरा कुछ प्लान, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक के बाद वीडियो डालते हैं। तो फाइनली एक वीक हो चुका है अपने चैनल पे ना वीडियो डले हुए, तो मैंने सोचा एक वीक के बाद डालते हैं वीडियो। तो आज तो चलो कुछ थोड़ा बहुत कुछ घूमने फिरने भी चलो बाहर जाएंगे, तो मैंने सोचा घर की बजाय अब थोड़ा सा बाहर भी घूम फिर लेते हैं, तो आपको भी कुछ दिखा देंगे। तो आज तो भाई मौसम भी फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही सुहावना है, तो चलो ऐसे ही वीडियो को स्टार्ट कर दिया। जो आज का कंटेंट बनेगा, जो वीडियो बनेगी, तो देख लेना। तो चलो बाकी चलो ठीक है। बाकी यार अपने मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि हर वीडियो में नहीं, कई बार मैं यही कहता हूँ कि जो मेरे व्लॉग होते हैं ना उस पर मैक्सिमम यही होता है कि लाइफस्टाइल के बारे में है ना इंट्रोड्यूस होता है। तो बाकी इसलिए करवाता हूँ क्योंकि आप भी ना अपनी लाइफ के साथ इजी से रिलेट कर पाओ और अपनी फैमिली मेम्बर को भी दिखाओ, क्योंकि है ना कर रहे हैं हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो अपनी फैमिली मेम्बर को भी दिखाओ, क्योंकि अपने व्लॉग तो फैमिली मेम्बर के बीच भी बैठ के देख सकते हैं। तो बस चलो बाकी चलो ठीक है। बाकी आज का इतना ही था जो मैंने ज्ञान देना था आपको दे दिया, तो मैंने आपको बता दिया। हाँ तो गाइस आप देख रहे हैं ना मैं इतना चिकना क्यों लग रहा हूँ, इतना ऐसे ही शेप शूप करवा लिया। तो इसकी भी चलो वीडियो बनानी थी तो ऐसे ही स्किप कर दिया, तो मैंने सोचा अभी ना एक हफ्ते के बाद वीडियो डालेंगे। तो जो मतलब पिछले दिन गए ना उसमें मैंने कटवा लिया दाढ़ी दूरी और बाल भी बहुत बड़े थे, तो ऐसे ही वो कहते हैं ना कि काली काली में सब कुछ जल्दी से जल्दी निपटाने की काम किया। तो बाकी गाइस करते हैं फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू, तो बने रहना वीडियो के एंड तक, बाकी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो आज बाहर भी घूमने फिरने जाएंगे, तो इसलिए बने रहना वीडियो में कंटिन्यू। तो अब आपको दिखाता हूँ बाहर का मौसम। हाँ तो गाइस आज का मौसम भी बहुत ही सुहावना है, तो आप देख रहे हैं बादल है। हाँ तो गाइस मतलब जो पिछली रात गई है ना बहुत ही हवा चली थी और बहुत ही सुहावना मौसम था, तो रात के समय बारिश भी काफ़ी सारी हुई है, तो इसलिए मतलब मौसम बहुत ही सुहावना, नहीं तो इस टाइम बहुत ही धूप होनी थी। तो चलो आज तो मौसम बहुत ही सुहावना है, तो मैंने सोचा आज के दिन का फ़ायदा उठाया जाए और आज के दिन में आपको भी घुमाया फिराया जाए। तो चलो तो बाकी आपने मौसम देख लिया है कितना सुहावना है, तो चलो अब करते हैं फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू। क्या तो फिर हाय हाय क्या कर रहे हो फिर? सब्जी काट रही हूं। सब्जी काट रहे हो, दोपहर का खाना बनेगा आज घी की सब्जी। चलो चलो है तो हम हैं पसंद है आपको? और पसंद है पसंद है, बनाओ बनाओ जरूर बनाओ। तो चलो चलो खाएंगे, अभी टाइम हो चुका है आई थिंक 1 बज रहा है, तो चलो ठीक है बनाओ बनाओ जल्दी से बनाऊँ तो फिर खाते हैं। फिर जाना है हमें बाहर थोड़ा सा घूमने फिरने भी जाना है ना, तो चलो मैं तो नहीं आप तो नहीं जाएंगे, मैं ही जाऊँगा। तो फाइनली गाइस खाना पीना हो चुका है और लंच भी हो चुका है और अभी हम जाएंगे घूमने फिरने अपने खेतों पे जाएंगे, तो मैंने सोचा आपको भी वहाँ पे घुमा फिरा देते हैं गांव पे हमारे खेत हैं। तो चलो अब चलते हैं, चलो बाकी उससे पहले मैं आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, छत पे चलता हूँ मैं, बहुत ही मस्त चीज़ है, तो चलो चलो। हाँ तो गाइस देखो जी कुछ पता चला आपको, जामुन है जामुन, तो ये देखो तो इसलिए मैं आया हूँ, जाते जाते हम जामुन भी खाएंगे। हाँ तो गाइस जब मतलब पक जाएंगे ना फिर आपको दिखाऊंगा मतलब कैसे होते हैं, अभी तो चलो ऐसे ही है। हाँ तो बाकी आपको पता ही होगा जो विलेज के लोग हैं उनको तो पता ही होगा जामुन के बारे में, तो चलो जल्दी से इकट्ठे करते हैं थोड़े से है जितने भी है थोड़े से इकट्ठे करते हैं फिर चलते हैं। चलो 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 नीचे नीचे डिग्री आगे गिर जाएंगे।
खेत यार। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने खेत पे और गांव पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मतलब हम कहाँ पे रहते थे, वो तो अभी बीच है जाके, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। इस साइड पे मतलब जो जगह है ना, जो रोड गया इस साइड पे ना, ऊपर से जाके हमारा सबसे पहले घर था। बाय बाय भाई जी, क्या हाल है। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने खेतों पे, मतलब आते आते इतनी सत्यानाश हुई जिसे कहते हैं कि मतलब पैदल आने में, मैं तो कह रहा था कि आपको मैं कह रहा था ना स्टार्टिंग में कि मौसम बहुत ही सुहावना है, बहुत ही बादल है, बट उसके मतलब 3-4 घंटे बाद ना मौसम बदल ही गया पूरा, मतलब धूप निकल आई है। हाँ, तो फाइनली गाइस हम आए क्यों थे अपने खेतों पे, तो क्योंकि हमने ना जहाँ पे मक्की बीजी थी अपने खेतों पे, तो मम्मी जी कह रहे थे थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि वर्षा कल रात में हुई है ना, तो इसलिए मम्मी जी कह रहे थे जाते हैं वहाँ पे देख के आते हैं कि मक्की कैसी है, जमी भी है या नहीं जमी है, तो बस वही देखने आए थे हम। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको भी घुमा फिरा देते हैं। इस पहले देख रहे थे ना अब मौसम मतलब बादल थे, तो अभी है सूरज, तो इस साइड पे हमारे खेत, तो मम्मी जी वहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं कह सकते परमात्मा के रंग का, तो ऐसे ही है परमात्मा के रंग, कभी धूप कभी छा। तो चलो अब करते हैं थोड़ा सा काम खेत में। तो गाइस ये है मक्की का पौधा, तो मतलब जब जब बड़े होंगे ना फिर भी आपको दिखाऊंगा मैं, मतलब इस साइड पे सारी मक्की बीजी हुई है, तो मम्मी जी कह रहे थे ना कि देखने हैं कैसी है मक्की की फसल, तो मतलब अभी तो ठीक है, अभी बाद में पता चलेगा तो मतलब कैसी होती है। तो चलो अब आपको ना सीधा मैं घर पे मिलूंगा, तो चलो ठीक है, बाकी आपको जितना मैंने एक्सपीरियंस करवाया तो बाकी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। तो देखो डराने की, वाह क्या शाबाश। हाँ, तो फाइनली गाइस अभी घर पे पहुंच चुके हैं, जो आपको मैंने डेली का कंटेंट दिखाना था, जो सुबह से लेके आज तक वीडियो बनी है, मतलब इस टाइम तक वीडियो बनी है, शाम तक मैंने दिखा दी आपको, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय की होगी। तो आपको, हाँ गाइस, आपको ना एक सजेशन देना है, मेरी ना एक पिछली वीडियो थी उस पर मुझे कमेंट आया, मुझे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि आपके घर के मतलब सामने इतनी हरियाली है और इतनी सब्जी लगी है, इसका क्या राज है, हमें भी कोई टेक्निक बता दो, हमारे घर पे भी थोड़ी सी सब्जियां हो। तो ऐसा ही उन्होंने मुझे कमेंट पूछा था कि क्या राज है, तो मैं बता देता हूँ। देखो हमारे घर पे पहुँचे हैं, तो जे मान लो कि आपके घर पे भी पहुँचे हैं, तो जो उनका गोबर होता है ना, वो पौधों के नीचे जो जड़ें होती हैं उस पे डाल दो, तो मतलब ओबियसली आपको उसका रिजल्ट आपके सामने मिल जाएगा, तो मतलब पौधा अपने आप ही ग्रो करेगा। तो यही है हमारे मतलब कि जो सब्जी लगी हुई है, यही है राज इतनी सब्जी लगने का। तो बाकी मतलब आपको मैं दिखाऊंगा, नहीं आज नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में कहीं ना कभी कभार तो मैं दिखाऊंगा कि मतलब कैसे हमने मतलब कि जो गोबर है ना कैसे रखा हुआ है नीचे। तो मतलब बाय द वे वैसे हम कोई केमिकल यूज़ नहीं करते, जो कोई भी दवाई होती है कोई केमिकल यूज़ नहीं करते, तो बस यही था तकनीक थी सब्जियों के राज, जो भी लगने के इतनी सब्जी लगी हुई है यही राज था। चलो फिर करते हैं फिर यहीं पर वीडियो को एंड, तो ठीक है जल्दी मिलते हैं फिर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।